गुड इवनिंग एवरीवन, नमस्कार। स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का जो लगातार हमारे वीडियोस को आप देख रहे हैं और इतना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे हमारे देश में, जहाँ पे डिजिटल इंडिया का सपना हमारे मोदी जी हमको रोज दिखाते हैं, ऑफिस के कारण सारे डिजिटल हो गए हैं, सरकार की आजकल वर्चुअल रैलियाँ भी हो रही है, सारे ही काम हमने बिल्कुल डिजिटल के तरीके से शुरू कर दिए हैं। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, चाहे वो आरोग्य सेतु ऐप, जिसके बारे में आजकल बताया जा रहा है कि आरोग्य सेतु ऐप किसने बनाया, उसकी फाइल कहाँ स्टोर्ड है, ये भी पता नहीं है सरकार को। और मुफ्त में मोदी जी प्रचार पे प्रचार किए जा रहे हैं आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करने के लिए। चाहे आप बस में जाइए, आप चाहे ट्रेन में जाइए, चाहे आप फ्लाइट्स में सफ़र कीजिए, आपको आरोग्य सेतु ऐप कंपलसरीली डाउनलोड करना पड़ता है। मैंने सुना है मॉल्स में भी आपको आरोग्य सेतु ऐप जो है कंपलसरीली डाउनलोड करके रखना पड़ता है मोबाइल में, जिससे कोरोना वायरस के ट्रांसमिशन के बारे में पता चलता है कि कोरोना वायरस इन्फेक्टेड आप है या नहीं है, और कई सारी चीज़ें उससे इमरजेंसी में हेल्प ली जा सकती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारा देश इतनी सब बातें करने के बावजूद भी इंटरनेट डेटा स्पीड में सबसे पीछे है। हम लोग एक तरफ तो पूरी साक्षरता पर जोर दे रहे हैं कि साक्षरता ऑनलाइन होनी चाहिए, हमारे यहाँ पर शिक्षा ऑनलाइन होनी चाहिए, ऑनलाइन लोगों को साक्षर किया जा सके। हम लोग जोर दे रहे हैं कि हम लोग 5G की तरफ जा रहे हैं, और इतना खर्चा लग रहा है, उतना खर्चा लग रहा है, और दुनिया भर की तमाम बातें आजकल पेपरों में छप रही है। लेकिन स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स के हिसाब से, जो उन्होंने एक दुनिया भर में लोग जो मोबाइल डाटा यूज़ कर रहे हैं, और हमारे देश के लोग भी मोबाइल डाटा यूज़ कर रहे हैं, तो स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स के हिसाब से हमारे यहाँ पर जो 4G है उसकी स्पीड 2G से भी कम है, और हम लोग 5G में अगर जाएंगे तो भी हमारी स्पीड उतनी ही बनी रहेगी। मतलब हमारे देश में हम नेपाल, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका जैसे देशों से भी हमारे यहाँ पर इंटरनेट की स्पीड कम है। जितने लोग मोबाइल डेटा का इस्तेमाल करते हैं, उनके सारे मोबाइल डेटा के इस्तेमाल के बेसिस पे ये आंकड़े स्पीड टेस्ट ऑफ ग्लोबल इंडेक्स निकालता है। उसने बताया है कि भारत में हम लोग सिर्फ जो वर्चुअली काम कर रहे हैं, और जो सिर्फ हम लोग वर्चुअली चीज़ें रख रहे हैं, ये इसका कोई उद्देश्य नहीं है, बल्कि हमारी सरकार जो है एक तरह से डेटा चोरी कर लेती है वर्चुअली कामों को कराकर। जैसे आधार कार्ड निकला था, जैसे आरोग्य सेतु ऐप निकला था, तो हमारे यहाँ पर 4G या 5G की कोई खास उपयोगिता नहीं है। मतलब कुल मिलाकर हम लोगों को अनपढ़ देश की कैटेगरी में इन लोगों ने रख दिया है कि हमारा देश जो है, भारत देश जो है, एक अनपढ़ देश है। कितनी भी स्पीड चलती रही हमें कुछ नहीं पता, हमें एक बिस्कुट दे दिया जाता है कि आप 4G में हैं, आप 5G में हैं, भले ही वो 2G वाली भी हमारे यहाँ पर स्पीड नहीं है जैसे कि और दूसरे देशों में है। ये भी बताया जा रहा है कि भारत जो है वो मोबाइल डेटा यूजर्स के मामले में और मोबाइल डेटा की स्पीड के मामले में 131वें नंबर पे है, जबकि हम ब्रॉडबैंड की जो हमारी स्पीड होती है, वाईफाई ब्रॉडबैंड की जो स्पीड होती है, उसके मामले में हम 71वें नंबर पे है। मतलब हमारे यहाँ पर जो सारी जो बातें चलती हैं सब बातें ही है, उसमें सच्चाई कहीं नहीं है। और कहीं से कहीं तक आप ये नहीं जान सकते हैं कि जो आपको बताया जा रहा है, जितनी स्पीड का आपसे पैसा लिया जा रहा है, वो स्पीड वास्तव में आपको मिल रही है या नहीं मिल रही है। आपके मोबाइल में भी 4G दिखता ज़रूर है, लेकिन वो 4G होता नहीं है। तो ये सारी चीज़ें स्पीड टेस्ट ऑफ ग्लोबल इंडेक्स ने बताई है, और ये सितंबर 2020 का सर्वे है, इस साल का ही सर्वे है, जिसमें बताया गया कि भारत के लोग इतने ज़्यादा अनपढ़ हैं कि वो स्पीड जो है उनकी 2G से भी कम है, और वो बताते हैं कि हमें 4G हमारे पास में है, 4G हमारे पास में, इस तरह से बातें हो रही है। और इंटरनेट के मामले में भारत बहुत 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 पीछे है अगर देखा जाए तो। और कहीं ना कहीं ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि जिस तरह से हम लोगों ने इतनी कम स्पीड के बावजूद भी जनता को परेशान करने के लिए सब कुछ ऑनलाइन कर दिया है, सब कुछ हम लोगों ने वर्चुअली कर दिया है, डिजिटल इंडिया, डिजिटल भारत हमने जहाँ पर कर दिया, वो सिर्फ डेटा चुराने वाली बात होती है। आपको पता ही, जब से मशीनें आई है इलेक्शंस में, जिस तरह से बटन दबा के आजकल इलेक्शंस में वोटिंग की जाती है, और भी कई काम जो आधार कार्ड या दुनिया भर की योजनाएं जिसमें पैसे बांटे जाते हैं गरीबों को, डेटा का गवर्नमेंट के पास में होना अपने आप में गवर्नमेंट के लिए ही बेनिफिशियल है। और डिजिटल इंडिया भी हमारा फाइनली हमारे गवर्नमेंट के लिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए ही बेनिफिशियल है।